कथित सेक्स स्कैंडल के सामने आने के कुछ दिनों बाद ही कर्नाटक के पूर्व जल संसाधन मंत्री रमेश जारकीहोली ने आरोप लगाया कि वीडियो उनके खिलाफ एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। खबर के अनुसार आज सुबह अपने निवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारकीहोली ने कहा कि वीडियो और सीडी नकली है और यह मेरे खिलाफ एक साजिश है। उन्होंने रोते हुए कहा कि मैं निर्दोष हूँ। उन्होंने कहा, मैं 4 महीने पहले सीडी के बारे में जानता था और मेरे भाई बालचंद्र जारकीहोली से इस बारे में चर्चा की गई थी कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। जारकीहोली ने कहा कि वीडियो में मौजूद व्यक्ति मैं नहीं हूँ। मुझे हाईकमान ने सूचित किया था कि इस तरह के आरोप मेरे खिलाफ लगाए जा सकते हैं और कानूनी मदद लेने की सलाह दी गई है। तब भी मैंने कहा कि मैं आरोपों से लड़ूंगा। जारकीहोली ने आरोप लगाया कि इस साजिश के लिए 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए और यह साजिश 2 स्थानों यशवंतपुर और बेंगलुरु के हलीमावू में हुई। मुझे जानकारी है कि सीडी में शामिल लड़की को 5 करोड़ रुपए और विदेश में 2 फ्लैट दिए गए हैं। यशवंतपुर ने ओरियन मॉल के पास एक फ्लैट में मेरे खिलाफ षड्यंत्र करने का सौदा किया गया था। यह मेरी छवि और राजनीतिक करियर को धूमिल करने के लिए किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमार स्वामी को समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। बता दें कि सेक्स टेप कांड में घिरे कर्नाटक के मंत्री रमेश जारकीहोली ने नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। टेप वायरल होने के बाद से रमेश जारकीहोली निशाने पर थे और उनके चलते सूबे के सीएम बीएस येदियुरप्पा भी विपक्ष के आरोपों में घिरे थे। जल संसाधन मंत्री के तौर पर कैबिनेट का दर्जा रखने वाले रमेश जारकीहोली का एक महिला संघ अश्लील बातचीत का ऑडियो टेलीविजन चैनलों पर चलाया जा रहा था। सोशल एक्टिविस्ट दिनेश कल्लाहल्ली ने बेंगलुरु के क्यूबन पुलिस थाने में शिकायत की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि नौकरी का झांसा देकर महिला का यौन उत्पीड़न किया गया। पब्लिक न्यूज डेस्क, देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए पब्लिक न्यूज के साथ।